हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जीबी व्हाट्सएप में कीबोर्ड पर फोटो अपना फोटो कैसे लगाते हैं, आइए जानते हैं। तो इसके लिए जब से जीबी व्हाट्सएप ऐप को ओपन करते हैं और यहाँ पर आते हैं और जैसे मैसेज करने के लिए कीबोर्ड ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई फीचर नहीं दिया है कि आप यहाँ पर फोटो लगा पाएँ, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्लिक करना होगा प्ले स्टोर ऐप को ओपन करिए और यहाँ पर सर्च करिए एलईडी कीबोर्ड सर्च करिए और सर्च कर ये एप्लीकेशन आएगा एलईडी कीबोर्ड करके, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल कर जब ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर स्क्रॉल ऑन करना है और नीचे एलईडी कीवर्ड पर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते ही ठीक है ना, इसके अलावा भी कुछ परमिशन मांग सकते हैं, आप देख लीजिएगा, अगर मांगे तो दे दीजिएगा। देन आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर तो बहुत सारे दिए हैं ऑप्शन जो उसमें से आप चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लिक करना है यहाँ प्लस वाला आइकन पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ प्लस का आइकन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करिएगा और इस पर क्लिक करने के बाद ये ऐड आ जाएगा। ऐड को कट कर लीजिएगा एक बार, ये रहा भाई, हाँ स्किप कर लीजिए ऐड को। ऐड कट करने के बाद आपको क्या करना है, इधर स्क्रॉल करना है, ये इफेक्ट दिख रहा है इधर, इसको इधर खींचना है, ठीक है ना। ये खींचेंगे इस तरह, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाएगा, बैकग्राउंड पे क्लिक करिएगा और उसके बाद आपको क्लिक करना है इमेज पे, ठीक है। इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो भी फोटो आपको लगाना है अपने कीबोर्ड में उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए अभी के लिए मैं ये लगा लेता हूँ, देन लगाने के बाद इसको इनको सेट कर लीजिएगा जो भी फोटो है, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, एक चीज़ और यहाँ पे सीख दे रहा है, ब्लर और डार्कनेस, इसमें से कुछ ना कुछ करना होगा आपको, तभी आपका जो कीबोर्ड है वो साफ दिखेगा। तो ब्लर कर सकते हैं, ठीक है, पूरा ब्लर कर सकते हैं और डार्क भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी के लिए मैं थोड़ा ब्लैक, थोड़ा डार्क पूरा कर दे रहा हूँ और हल्का ब्लर कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह आप सेट कर लीजिए कितना आपको दिखाना है, आप पूरा भी दिखा सकते हैं, पूरा भी आप क्लीन रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा ब्लैक डार्क करता हूँ और हल्का ब्लर कर देता हूँ, ठीक है। देन क्रॉप पे क्लिक कर दीजिएगा। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए जो आपका फोटो है, सॉरी एक चीज गड़बड़ हो गया यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो आ चुका है, आप ध्यान से कि हमारा वो नहीं काम कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो आ चुका है। अब कीबोर्ड आपका चेंज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कीबोर्ड है, इस तरह आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं जो लाइटिंग है वो किस तरह से दिखनी चाहिए, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं जो बेस्ट लगे आपको, जो भी कीबोर्ड अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और अभी के लिए मैं एक कीबोर्ड यहाँ से ले लेता हूँ जल्द से, यहाँ बहुत सारे कीबोर्ड है, ये वाला कीवर्ड मुझे अच्छा लग रहा है, ये वाला कीवर्ड ले लेता हूँ मैं, ठीक है। देन यहाँ पर अब हमको क्या करना है, सीधे आपको सेव वाले आइकन पे, यहाँ पर देखिए सेव का आइकन दे रहा है ऊपर, सेव पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर कुछ नाम भी लिख दीजिएगा, जैसे मैंने लिख दिया न्यू, ठीक है। अब अपने हिसाब से ये जो लाइटिंग वाला है उसको देख लीजिएगा, उसके बाद हमको यहाँ से बैक हो जाना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से बैक होने के बाद आपको जाना है अपने जीबी व्हाट्सएप में और यहाँ पर क्लिक करना है और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर वो कीवर्ड आ चुका है जो कीबोर्ड हमने सेट किया था और इस तरह यहाँ फोटो भी लगा हुआ है। इस तरह आप भी बहुत ही आसानी से जीबी व्हाट्सएप में फोटो लगा सकते हैं कीबोर्ड में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो दैट सी टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।